With over 50,000 teachers and volunteers spread across the country, YLTP has been strongly part of many programs and initiatives with various state-level governments pan-India. As Gurudev Sri Sri Ravishankar Ji fondly says, YLTP youth are the foot soldiers of the foundation. Few of the projects that YLTP is instrumental in are multiple projects such as Model Gram Panchayats, Drug De-Addiction Program, Women Empowerment, National River Rejuvenation Program across the states of Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, Punjab, Assam, etc. Chaupal is hosted by Sri Bholanath Ji, Senior Art of Living Teacher. And today's guest speaker is Yogendra Singh Yogi Ji, who hails from a small village of Jubilee in Shimla, who decided to dedicate his life to service for the nation from a tender age of 19. And over the past 15 years has traveled immensely across multiple states in India, conducting various courses for the youth and has been instrumental in rescuing over 10,000 youth from the clutches of drug and alcohol in the state of Himachal Pradesh. We invite you to join this beautiful sessions of Chaupal to understand the work of YLTP and Art of Living Foundation and encourage the selfless workers on the ground who have dedicated their lives for the nation. Jai Hind. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Facebook live के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों को आज के इस चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। आज का जो विषय है वह है प्रेम, प्रयास और फिर परिवर्तन। आज हमारे साथ योगेंद्र सिंह योगी जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश से है और 1998 से जुड़े हुए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। वो हैप्पीनेस, YLTP, एडवांस कोर्स, एपेक्स कोर्स, ये सारे कोर्सेस सिखाते हैं और तत्काल उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर YLTP के तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। वो 900 से ज्यादा गांवों में नवचेतना शिविर, सत्संग, योगा, योगदान के माध्यम से पहुंचे हैं और हिमाचल में 2016 में जो डीएडिक्शन का अवेयरनेस का कैंप चला, जिसमें 10,000 युवाओं ने प्रण लिया कि हम नशा छोड़ेंगे और हिमाचल को नशा मुक्त बनाएंगे, उसमें योगेंद्र योगी जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा। उन्होंने लीड लिया बाकी लोगों के साथ मिलकर, 4,000 युवाओं को ट्रेनिंग कराया उस साल। अब तक योगी जी 300 से ज्यादा योगा एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, 100 से ज्यादा YLTP, 520 से ज्यादा नवचेतना शिविर कंडक्ट कर चुके। योगी जी सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, जम्मू और कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी सेवा दे चुके। तो एक चर्चित नाम योगेंद्र योगी जी आज हमारे साथ है और हम उनका स्वागत करेंगे इस चौपाल के कार्यक्रम में। उनका फेवरेट जो सब्जेक्ट है आज का, प्रेम, प्रयास और फिर परिवर्तन में। योगी जी जय गुरुदेव। भोलानाथ जी नमस्कार। जय गुरुदेव। तो योगी जी आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं आपके साथ जी। तो जैसे मैंने सेवा टाइम्स में पढ़ा आपके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा। है आपका जो यात्रा है YLTP में। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, उसमें पढ़ा कि आप पहला जो YLTP हुआ था जी बैंगलोर में, जिसमें गुरुदेव जी भी
खुद कंडक्ट भी किया गुरुदेव उस समय इस कोर्स को, जी जी उसमें आप प्रतिभागी रहे जी हिमाचल से। हाँ जी, तो आपको कहाँ से पता चला वो वाइल्डबी ट्रेनिंग के बारे में और आप क्यों करने गए थे, आप जरा बताए जी विस्तार। भोला जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से तो जुड़ा था पहले से ही, कॉलेज समय से। तो एडवांस कोर्स करने आश्रम भी गया था और अपना यहाँ भी कोर्सेज करते थे, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते सेवा से जुड़े थे। और फिर ये उससे पहले हम देखते थे आर्ट ऑफ लिविंग शहरों में शिविरों तक शायद सीमित था, इतना ज्यादा गांव के परिवेश में नहीं काम होता था या नहीं पहुंचती। तो गुरुदेव ने आवाहन किया था कि पूरे देश से युवाओं को इकट्ठा किया जाए जो ग्रामीण परिवेश में काम करेंगे या गांव गांव तक ये योग ध्यान और सेवा के माध्यम से पहुंचेंगे। तो उसी संदर्भ में हमको सूचना मिली तो हम भी उसमें सम्मिलित हुए और ये बहुत ही मतलब यादगार लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ये एक स्टेप था। उसके बाद फिर जीवन की ऐसी दिशा बदली, ऐसी सोच बदली कि फिर समाज में इसी को लेकर हम आगे बढ़े। उस ट्रेनिंग में कितने लोग, कितने पार्टिसिपेंट्स आए थे, कहाँ कहाँ से थे, किस तरह का वो ट्रेनिंग का शेड्यूल था, क्योंकि एक महीना था। हाँ, 2 महीने भोला जी जो ट्रेनिंग थी। अच्छा, 2 महीने। हाँ जी जी जी, तो ये एक तरह का शुरुआती दौर था कि चलो कुछ ऐसा गुरुदेव के निर्देश थे। तो सभी पूरे भारत से लगभग 400 युवा इसमें सम्मिलित हुए थे, कुछ नेपाल से भी आए थे। तो 400 युवाओं ने 2 महीने की ट्रेनिंग करी। तो इसमें श्री विनोद मेनन जी, श्री विक्रम हाजरा जी मुख्य रूप से हमारे जो शिक्षक थे, ट्रेनर थे, बाकी और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। कर्नल जोशी हुआ करते थे और गुरुदेव भी 1 महीना आश्रम में उन दिनों आए थे। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से ही वाईएलटीपी बोलते थे, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद से शुरू हुआ। और फिर आप देखिए आज भारत के हजारों हजारों गांव तक हम पहुंचे हैं और खुद भी मैं लगभग हजारों गांव में पहुंचा होऊंगा, 900 से अधिक गाँव में। तो मुझे ये डेटा पड़ा है कि कहाँ कहाँ मैं गया हूँ अलग अलग राज्यों। तो इस तरह से ये एक देश सेवा की यात्रा शुरू हुई भक्ति के मार्ग से, गुरुदेव के निर्देश के द्वारा भक्ति में या कुछ करने का, जो एक हर युवा में कुछ करने का भाव होता है कि कुछ मैं अलग करूं, कुछ तो करना चाहता है। तो गुरुदेव से प्रेरित होके ये मार्ग शुरू हुआ और बहुत अच्छा इसमें आगे चल के हजारों हजारों यूथ आप सब भी जुड़े और पूरे देश में काफी अच्छा काम। आप युवाचार्य की तरह जुड़े जी आगे के कार्यक्रम में वाईएलटीपी के बाद। जी जी, ये वाईएलटीपी करने के बाद मैं युवाचार्य के रूप में रहा 10 साल लगभग। तो 1999 में युवाचार्य हम बने थे। गुरुदेव ने 12 सितंबर मुझे याद है हमको कड़ा पहनाया था। पहली बार गुरुदेव ने दीक्षारंभ समारोह, वैसे तो कहते दीक्षांत समारोह, तो सभी युवाओं को युवाचार्य की पदवी दी थी। और फिर उसके बाद सभी लोगों को कहा कि भी 10-10 गांव आप जाके 10-10 गांव में काम कीजिए। तो हम भी भोले भाव से निकले और फिर अपने अपने राज्य में 10-10 गांव चुने और फिर उसमें काम करना शुरू किया। मुझे एक बड़ा अच्छा पहला जो घटना याद है, जब पहली बार मैं किसी गांव में गया आश्रम से आने के बाद, जब हमने ये बीड़ा लिया कि गुरुदेव का जो निर्देश है आश्रम से, जो हमें निर्देश किया गया कि 10 गांव चुनिए और उसमें नव चेतना शिविर या अलग अलग सफाई अभियान, कुछ ना कुछ गतिविधियां करे सामाजिक। तो पहली बार मैं किसी गांव में गया तो गांव में जाते ही गांव से लगभग 100 मीटर पहले एक छोटा सा बालक, 4 साल का रहा होगा, 3-4 साल का, और उसने दंडवत प्रणाम किया मुझे। तो मैंने उसको गोद में उठाया फिर मैं गांव में एंटर हुआ। तो कहने का मतलब अच्छा कि जैसा यहाँ से निर्देश था कि लोग आपको आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए और समाज में एक प्रेम और भक्ति का एक माहौल बनाइए, सामाजिक सेवा का माहौल बनाइए। तो उस तरह से दिल को छूने वाली छोटी सी घटना, फिर उसके बाद ये यात्रा प्रशस्त होती गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप उस कार्यक्रम के बाद ही पूर्णकालीन हो गए संस्था में, पूरी तरह से ट्रेवल करके ट्रेन किया। जी बिल्कुल। ट्रेन हाँ आगे का कार्य। हाँ, कॉलेज में
पढ़ते थे, तो फिर ये ट्रेनिंग करी, फिर वापस आके पढ़ाई भी करते रहे और मुख्य रूप से फिर पूर्णकालिक सेवा में उतर गए। तो पूर्णकालीन सेवा करने का जब आपने निर्णय किया, घर से आपके आपको कोई बाधा या किसी तरह का ऑब्जेक्शन, किसी तरह की मनाही, ऐसी कोई परिस्थिति उपजी? हाँ, ये तो आप सभी का, हम सभी का ये अनुभव है, कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ा बहुत विरोध भी होता ही, और मैं कहता हूँ विरोध होना आवश्यक है। जितना विरोध हुआ, मैं तो जितने लोगों ने विरोध किया परिवार में या रिश्तेदारों में, मित्रों ने जो विरोध किया, तो उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जितना विरोध किया उतना फिर उतने बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो जिद्दी आपने स्वभाव कैसे का मनाया, आपने कैसे मनाया परिवार वालों को? नहीं, खास मनाया नहीं मनाने का तो देखो परिवार में क्या होता है कि भाई सभी लोग चाहते हैं कि बेटा ऑफिसर बने, कुछ हमारे परिवार जो भी मित्र भी चाहेंगे कि शायद भटकाव हो गया। उस समय इतना आर्ट ऑफ लिविंग को भी इतना नहीं जानते थे, और गुरुदेव को भी शायद ही जानते होंगे, लेकिन हम तो कहते हैं जैसे आप बता रहे थे प्रेम, प्रयास और परिवर्तन, मैं तो कहता हूँ ये प्रेम अपने आप से होगा। गुरुदेव से पहली बार मिले, मुझे याद है वो घटना कि मैं कॉलेज में था, एग्जाम देके हम निकले तो देखा कि गुरुदेव का पोस्टर लगा और एक मंदिर में आने का ऐसा उनका डेट थी 26 मार्च 1998। तो हम भी एग्जाम लेके दो तीन दोस्त, हम चलो भी चलते हैं, और फिर हम उस सत्संग में गए, थोड़ी देर भजन सुने तो बड़ा अच्छा लगा। गुरुदेव आए, गुरुदेव ध्यान में बैठ गए, तो पहले तो लगा शायद थक के आए हैं, थोड़ा नींद इनको लग गई स्टेज पे बैठ के, तो तब ध्यान का पता नहीं। तो फिर उसके बाद वो सत्संग में थोड़ा सुना गुरुदेव को, लेकिन एक चीज बड़ी अनूठी थी कि जब गुरुदेव की प्रेजेंस में, यहाँ पर उपस्थिति में हम थे, मेरे मित्रों का भी यही अनुभव है, मेरा तो खास करके, कि अनायास ही इतनी प्रसन्नता महसूस हुई पहली बार। नहीं तो प्रसन्नता के लिए कोई कारण ढूंढते थे, भाई एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ गए, चलो भी ये फेवरेट मूवी देख ली तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे। उस दिन अनायास अचानक इतनी प्रसन्नता महसूस हुई, और गुरुदेव उन दिनों सबको गले लगाया करते, तो सत्संग में भी अब तो लाखों लोग होते हैं, तब 1000-1200 लोग होंगे, तो सबको गले लगा रहे हैं, तो हम भी लाइन में खड़े, तो बड़े प्रेम से उन्होंने गले लगाया, बस वैसा उनसे प्यार हो गया, फिर यात्रा शुरू हो गई, और उनसे प्रेम हुआ तो अपने से प्रेम हो गया। ये आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने ये विशेषता देखी, जो व्यक्ति साधना के पथ पे है, गुरुदेव से भगवान से तो प्यार हो ही जाता, अपने आप से प्रेम हो जाता, और अपने से प्रेम हो जाता है तो हम सिखाते हैं प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा। तो अगर प्रेम में हम हैं तो दूसरों के लिए जरूर हम कुछ करेंगे। तो उनसे ऐसी प्रेरणा मिली, ऐसा एक जीवन में कायाकल्प शिफ्ट हो गया, फिर इसी धारा में आगे बढ़ते चले। आपने फाइनेंशियली और फिर इतना बड़ा क्षेत्र में काम किया, एक समाज का इतना बड़ा आपने दायित्व भी लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और आर्थिक रूप से युग थे, स्वावलंब भी होना पड़ा होगा। ये दोनों को कैसे आपने संतुलन किया इन दोनों में? जैसा मैं बता रहा हूँ भोला जी, जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो आपको बाकी सूझता नहीं। और एक और भले की बात, गुरुदेव भी हमको यही निर्देशित करते हैं कि वो भगवत गीता का कहते हैं ना कि मत कर्मो परमा भवा, तुम मेरा कर्म करो मैं तुम्हारा कर्म करता हूँ, और बोलते थे जंगल में भी खीर मिलेगी। तो हम भी उस भोले भाव से, ऐसा नहीं कि सोचा समझा कि हम सेवा करेंगे समाज बदलेंगे, ऐसा सोच नहीं थी, मुझे तो ये था कि बस गुरुदेव से ऐसा अनूठा प्रेम हुआ, और फिर उस बहाव में ऐसे होता चला गया। और मजे की बात, जैसे आप स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा कुछ गहरा सोचा नहीं, लेकिन आज तक हैरान होंगे आप, कभी कोई कमी नहीं आई, मुझे याद नहीं कभी मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया हो, हाँ दिया जरूर हो। तो ये एक मन में विश्वास, और समाज के प्रति जब हम पूरी निष्ठा से लग जाते हैं तो इस तरह के संसाधन सब जुड़ जाते हैं, और जरूरतें भी कम, मुझे लगा कि जरूरतें भी कम है, जरूरतें कम हैं तो और समाज के लिए जीवन उपयोगी हो, तो आसानी से निकल गया, ऐसा कुछ कभी लगा ही नहीं, अभाव किसी चीज का महसूस ही नहीं हुआ बोला जी। बहुत बढ़िया। आपने योगी जी YLTP का कार्य कहाँ से शुरू किया, और शुरुआत के दिनों में आपके टीम मेंबर्स कौन कौन थे, हाँ और किस तरह से ये मुहिम को आपने शुरू किया फील्ड में जाकर? हाँ जैसा मैंने आपको बताया, पहले 10-10 गांव लिए हमने, तो
हमारे साथ हिमाचल से हम 5 लोग थे पहले जो इस ट्रेनिंग में गए थे। एक सुकांत पाल चौहान जी, हमारे मित्र पारस कोहली जी, और उदय शर्मा जी, और राजेश परमार जी, और एक और अपने अदिति जी। ये 5 लोग हम गए थे। तो आज मैं देखता हूँ पांचों लोग बहुत अच्छी स्थिति में। अच्छा जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिखा रहा है या कोई किसी ना किसी क्षेत्र में जो भी पूरी तरह से जुड़े, या जो अभी पूर्णकालिक भी नहीं है जैसे राजेश परमार जी, तो मॉडलिंग और फोटोग्राफी करते हैं। तो साधना के बल से या गुरुदेव की ऐसी कृपा, जिस भी क्षेत्र में गए आज काफी शिखर पर हैं वो सभी लोग। तो उस तरह से यात्रा शुरू हुई। छोटी उम्र थी तो इसको ऐसे लिया और सब लोग संग में करते थे, साथ साथ में जाते थे, और फिर इस तरह से कोर्सेज कराने लगे तो टीम जुड़ने लगी। एक समय में 30-30, 35-35 शिवाचार्य साथ में काम करते थे, फिर किसी गांव में चले जाते थे, पूरे वहां 15-20 पंचायतों में घूम घूम के फिर वहां वाइल्ड टीपी का आयोजन करते थे, सफाई अभियान, या गांव में जो भी समस्याएं हैं पढ़ाना बच्चों को या फिर युवाओं के साथ खेलना, इस तरह के हमने ये कार्यक्रम शुरू किए। और नवचेतना इतना बढ़िया हो जाता था, हम जैसे पहले लगता था कई लोगों को कि हम तो भाई सुदर्शन क्रिया के बिना क्या सिखाएंगे, लेकिन जब सिखाना शुरू किया तो मुझे याद है एक गांव में मैं गया शुरू शुरू में, तो सब महिलाएं और पूरे गांव भरा हुआ है, तो कई लोगों को कहते मुझे नींद नहीं आई है, 5 साल हो गए ढंग से नींद नहीं आती। नवचेतना में पहले ही दिन राम ध्यान किया, दूसरे दिन से लोग इतने कृतज्ञ कि भाई सब ठीक हो गया, नींद आने लग गई, बीपी ठीक हो गया, ऐसे ऐसे चमत्कार, लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई, जो जो समस्या थी लोग इतना अनुभव बताते थे कि खुद को अचंभा होता था कि ये कैसे हो सकता है, अपने आप को हाँ बोलते थे हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंदर हैरानी होती थी ये हो क्या रहा, ये चमत्कार कैसे हो रहा। ये बहुत मजेदार मतलब समय रहा। ये पूरा कार्य हिमाचल प्रदेश में ही आप लोगों ने शुरू किया, पूरा मुहिम जो चला हिमाचल प्रदेश में? हाँ, शुरुआत में हिमाचल से हमने शुरू किया, फिर पंजाब, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में भी फिर शुरुआत हुई। उत्तरी भारत में हाँ हिमाचल से पहले शुरुआत हुई है, वाइल्ड टीपी या नवचेतना शिविर, इस तरह से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे इसका प्रसार प्रचार बढ़ा तो पूरे उत्तरी भारत में, तो मैं भी काफी सभी लगभग सभी राज्यों में मैं रहा हूँ, सभी राज्यों में काम किया। पहला YTP आपने हिमाचल प्रदेश में कब आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया? पहला YTP ये 2001 में, तो इसमें उस समय YTP को बड़ा स्वागत से पूरी स्टेट में लिया गया था कि, और जितने सभी लोग पुराने हमारे साथ यहाँ थे हिमाचल के अपेक्स मेंबर्स थे, या फिर टीचर उन दिनों तो कम टीचर हुआ करते थे, सीमा शर्मा जी टीचर हुआ करती थी पहली हिमाचल, अभी भी हैं, तो वो सब लोग इतना सहयोग किया, और फिर उन सब लोगों ने सहयोग करके एक पहला YTP यहाँ पर किया था, फिर 15 दिन का हो गया था, 15 दिन का फेज 1 होता था, 15 दिन का फेज 2 होता, तो उस तरह से यहाँ शुरुआत हुई। फिर वो शुरुआत हुई तो सिलसिला फिर बढ़ता चला गया, फिर YTP इतना पॉपुलर हो गया कि हर जगह YTP हुआ करते थे, YTP से इतने युवा जुड़ जाते थे, और जुड़ते भी ऐसे थे कि तन मन धन से सेवा में रत हो जाते थे, जहां भी जाओ एक लहर सी आ जाती थी गांव में, भाई फर्ज किया किसी डिस्ट्रिक्ट में गए 2-4 लोगों ने YTP किया, उसके बाद तो वहां नव चेतना शिविर, सफाई अभियान, फ्री मेडिकल कैंप्स, कुछ ना कुछ गतिविधियां इतनी तीव्र गति से शुरू हो जाती थी और हजारों हजारों की संख्या में लोग जुट जाते। अच्छा, मेरा एक और सवाल सवाल क्या जिज्ञासा था, वो आपने अपने बातों बातों में दे दिया, मैं पूछने ही वाला था कि जो लोग आप लोग शुरुआत में जुड़े थे वो कहाँ है, तो आपने उदय शर्मा जी का, सुकांत चौहान जी का नाम लिया ही है, ये तो बड़े बड़े स्टार है आज कहीं ना कहीं YTP में, RWing में, मतलब शुरू से आप लोग जो जुड़े YTP से जितने लोग वो कंटिन्यू अभी भी सेवा कर रहे हैं। जी जी ये हाँ, ये तो सभी लोग, मैं तो हिमाचल के तो जो मेरे साथ 5 लोग हम सभी थे, तो सभी लोग टीचर भी लगभग सभी हैं और सभी लोग सेवा से जुड़े हुए, पूर्ण 3-4 तो पूर्णकालिक ही हैं, बाकी 1-2 जो बाकी अपना काम भी करते हैं, तो सब लोग जुड़े हैं, और उसके बाद जितने यूथ जुड़े और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग उसके बाद जुड़ते गए 2001 के बाद, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पूरी स्टेट में, और इसी तरह से हर स्टेट में लोग जुड़े हैं।
जैसे कि हिमाचल प्रदेश हम सब जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है जी और गांव के लिए रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं रही होगी, आज से 20 साल पहले की बात है आप लोगों ने जब शुरू किया तो आप लोगों को चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा उस समय? अगर हाँ पड़ा तो कैसे आप लोग इसको किस तरह से इस पड़ाव को आप लोगों ने पार किया? हाँ ये चैलेंजेस तो आते हैं, है ना। और चैलेंजेस उस समय क्योंकि करने का इतना उत्साह रहता है कुछ करने का, तो चैलेंजेस भी अच्छा लगता था कि चलो भाई आज यहाँ रह लिए। एक बार तो ऐसा हुआ, कहीं गए और किसी ने बुलाया कि हम रहने की व्यवस्था कर देंगे, और वहां गए तो वहां कोई नहीं था, तो भी अब कहाँ रहे। और लोगों ने कि लोग भी आएंगे, कल सुबह से शिविर है और आज कोई व्यवस्था नहीं। फिर कहीं से एक रेस्ट हाउस मिला, कुछ पुराना स्कूल, फिर वहां झाड़ू पोछा करके थोड़ा 4-5 लोग हम गए, फिर उसमें रात काटी कहीं। फिर दूसरे दिन से शिविर शुरू हुआ, तो फिर तो पूरा इलाका वहां जुड़ गया, फिर तो रहने का सब चीजें की व्यवस्था होती चली। तो ऐसे बीच में छोटी छोटी चुनौतियां जरूर आती थी, लेकिन उस चुनौतियों का भी अपना मजा था उसको हम बड़ा, क्योंकि समूह में काम करते थे, संगठनात्मक तरीके से काम करते थे, तो बड़ा उसमें वो एक विषय बन जाता था चर्चा का कि फिर मजाक करने का। तो मतलब इसको एक ऐसा नहीं लेते कि वो ऐसी घटना घट गई, ऐसी हमारे साथ हो गई, नहीं, उसको बड़ा पॉजिटिवली सकारात्मक तरह से लेते थे। 2-4 भजन गाते थे और फिर सो जाते थे, फिर दूसरे दिन से व्यवस्था बनती चले जाती। गांव में रुककर आप उस समय ये वाइटीपी का कार्य क्या करते थे, सेवा का कार्य? जी, हाँ, भ्रमण करते थे। जैसे मुझे याद है कि अपना जैसे वाइल्डटीपी करना होता था, तो 50-60 गांव जरूर हम पदयात्रा या किसी भी माध्यम से 50-60 गांव तक पहुंचते थे, तो वाइल्डटीपी 70-80 लोगों का आयोजन हो जाता। तो जब भी वाइल्डटीपी रखते थे तो अपनी अपनी टीम में बन के कि भाई आप इस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो फिर वहां पर गाँव से गाँव में सत्संग के माध्यम से, नवचेतना के माध्यम से लोगों से मिलते थे, फिर आज इस गांव में, कल कहीं और गांव में, तो इस तरह से जाते थे, फिर लोगों से मिलते थे और लोग जुड़ते थे और फिर शिविर होने शुरू हो गए। एक वाइल्डटीपी से दूसरा वाइल्डटीपी, आप लोग चूंकि आपने खुद ही 100 से ज्यादा वाइल्डटीपी लिया है, ये आप अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसे आप योगी जी इसको ऑर्गेनाइज करते थे? एक वाइल्डटीपी से दूसरा वाइल्डटीपी कैसे ऑर्गेनाइज होता था? आपका कोई स्पेशलिटी हाँ, तरीका बताना चाहेंगे? तरीका तो भोला जी आप सबको मालूम है तरीका। मैं कहता कहता हूँ कि हम जब पूरी तन्मयता से लग जाते थे, लोग वाइल्डटीपी में मैं एक चीज देखता था, लोगों का जुड़ाव हमसे बहुत अच्छा हो जाता। अब फिर हाँ, ये चीज जरूर थी कि उनसे आप तालमेल बना के रखें, उनसे आप मिलते रहें। तो हम तो यही करते थे, जब अलग अलग जगह से वाइल्डटीपी में लोग आए तो फिर उन्हीं का ग्रुप बना के फिर उनके गांव में जाते थे, तो वहां पर नव चेतना या आगे की गतिविधियां करते थे, फिर उसी से वाइल्डटीपी अगला बन जाता था, अगला आयोजन करना आसान पड़ता था। नहीं तो अगर आप उनसे जुड़े नहीं रहते हैं, जोश में लोग हैं, करना भी चाहते हैं, युवा तो हमेशा ही कुछ करना चाहता है, चुनौतीपूर्ण भी करना चाहता है, साहसपूर्ण भी करना चाहता है, तो अगर उनको थोड़ा सा समय दिया जाए और उनके साथ समय बिताया जाए, मेरा तो यही सबसे जो मुझे सकारात्मक चीज लगी, जितना समय हम लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ मिलकर साधना करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं और जीवन का बड़ा दृष्टिकोण दिखाते हैं, तो लोग स्वतः ही फिर जुड़ जाते हैं और फिर आयोजन करने में इतनी कठिनाई नहीं होती। क्योंकि आपने 500 करीब नवचेतना शिविर जी सिखाया है आपने गांव में, अलग अलग जगहों में, तो आप जब युवाचार्य रहे तभी ये सिखाया या आप टीचर बनने के बाद भी इसको जारी रखा? हाँ, टीचर बनने के बाद भी अगर रखा, लेकिन पहले ज्यादा सिखाते थे। फिर क्या, जिम्मेदारी का दायरा या फिर कह लो और चीजें में, ज्यादा चीजों में पड़ गए, जैसे और कोर्सेज में आ गए या हैप्पीनेस प्रोग्राम्स में और एडवांस कोर्सेज में, तो उस तरफ से थोड़ा सा नई टीम को समय देते हुए फिर हम थोड़ा सा बाकी चीजों में और ज्यादा व्यस्त होते चले गए, तो उतना ज्यादा फिर नहीं ले पाए। तो फिर नए नए लोग आ गए, उनको ट्रेन किया तो उनको भेज, मैं तो ऐसे ही करता था, लोग ट्रेन किया फिर उनको भेज दिया, आयोजन किया, फिर कहीं
कई बार तो मैं ये भी करता था, लोगों को अगर आत्मविश्वास नहीं है तो मैं ये कहता था कि मैं आता हूँ, आप आयोजन कीजिए। फिर वो आयोजन करते थे तो मैं एक थोड़ा सा सेशन में गया, फिर उनको बिठा के फिर खुद निकल आता था, तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता। एक बार यूपी में थे तो हमने ऐसे कुछ लोगों को कहा कि भाई आप सिखा के आइए, तो ऐसे कुछ न कुछ होता रहता है। तो एक लड़की को सिखाया था YLTP और बड़े अच्छे जोश से उसने किया। मोनल ठाकुर नाम की लड़की हिमाचल से ही, तो युवाचार्य थी, वो सिखाने गई पहले पहले शुरू में। तो हम उसमें सिखाते हैं कि ब्रह्मा जी का स्थान नाभि में है, विष्णु जी का स्थान हृदय में है, छाती क्षेत्र में, और शिव जी का स्थान उस पे। और फिर किसी वहां विद्वान भी बैठ गए सभी लोग, तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि गणेश जी का स्थान कहाँ ये बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपने बता दिया, तो गणेश जी का कहाँ है? तो वो बोली मैं क्या बोलती, तो मैंने ऐसे बोल दिया गणेश जी का स्थान जो है नाक में है। तो बस वो सब मान गए। इस तरह से कई सारे ये चीजें होती थी, विनोद भी होता था। तो लोग क्योंकि जुड़ते हैं गुरु के ज्ञान से, और फिर कई बार लगता है कि हम तो इतने विद्वान नहीं है, लोग तो हमको उस तरह से लेते जब सिखाने जाते कि बहुत बड़े विद्वान आ गए। तो लेकिन ध्यान करते हैं तो लोगों से, लोगों को अच्छा तो लगता है शिविर करके, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो फिर थोड़ा सा तैयारी करके जाना चाहिए। योगी जी, मेरा अनुभव रहा है कि नवचेतना शिविर मैं भी जब लेता था तो मेरा अनुभव रहा कि नवचेतना शिविर से एक या दो नवचेतना शिविर लेते थे तो एक कोर्स जनरेट हो जाता था, उस समय बेसिक कोर्स हुआ करता था जी। तो आपका भी ऐसा अनुभव रहा है नवचेतना शिविर से कोर्स में कन्वर्ट करना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही था, ये तो बिल्कुल। हिमाचल में अधिकतर गांव गांव में अगर पहुंचे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, तो यही कारण था, नवचेतना से लोग जुड़ते थे, फिर उसके बाद बेसिक कोर्स में कन्वर्ट होते थे, बेसिक कोर्स से फिर अगले शिविरों में या फिर जिम्मेवारी लेने लगते थे। हाँ, ये तो होता ही है, अभी भी होता है। मैं तो कहूँ अभी भी जो लोग नवचेतना लेते हैं, हैप्पीनेस कार्यक्रम जो है वो आयोजन करना सरल हो जाता। अपना जो ग्रामीण कार्य के वजह से, युवाचार्यों का सेवा के वजह से हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में गुरुदेव का विजिट कभी हुआ है? जी जी, किसी गांव में? हाँ हाँ, ये मैं बताऊं आपको, 2007 2007 में एक गुरुदेव कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, तो कुल्लू में आए थे जहाँ का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, तो वहीं पर हम एक गांव में हमने गुरुदेव को ले गए थे। दियार नाम का ये गांव है, वहां पर गुरुदेव को ले गए थे और काफी अच्छा वहां आयोजन हुआ। वहां के युवा जो है काफी प्रेरित हुए, और गांव में जब मैं गया, कुछ दिन मैं गांव में पहले गया, तो वहां के कुछ लोगों को नवचेतना करवाया, फिर ये बेसिक कोर्स करवाया, फिर काफी यूथ जुड़े, और फिर एक बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन किया। यहाँ देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, रथ पालकियां होती है, तो एक बड़ा आयोजन गांव वालों ने मिलकर किया, और उसमें देवी देवताओं के रथ भी आए और हजारों की संख्या में गांव में लोग इकट्ठा हुए, गुरुदेव से के दर्शन हुए, सत्संग हुआ, और वहाँ एक त्रियुगी नारायण मंदिर है, मूर्ति निकली है जमीन के अंदर से, तो वहां उस मंदिर में भी गुरुदेव गए, तो बहुत अच्छा वहां का जो है, अभी भी लोग वहां से जुड़े हुए हैं और शिविरों में आते हैं। योगी जी, 2016 में हिमाचल प्रदेश के ही शायद फॉर्मर मिनिस्टर टेक्नोलॉजी और फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों ने उनके सहायता से बहुत बड़ा एक डी एडिक्शन का कैंप चलाया जी, और जिसमें काफी युवा, 10,000 युवा करीब नशा छोड़ने का प्रण लिया, 4,000 लोगों ने YLTP किया, उसका विस्तार से जरा बताएंगे कि कैसे मुहिम हुआ? हाँ बोला जी, ये जो है अपना गुरुदेव ने कहा कि भाई जब ये अपना था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, उसके आसपास या उस पहले की बात है कि भाई पूरे सभी लोगों को कहा हर स्टेट में 108 YLTP कीजिए। तो मैं और सुकांत जी उन दिनों
इस पे कोऑर्डिनेटर के शिप में, कोऑर्डिनेटरशिप में थे कि भाई 108 वाइल टीपी किए जाए। तो हम साल में 10-12 वाइल टीपी स्टेट में करते थे, 20-25 कर लिए सब मिलके, तो कब बाकी चीजों में व्यस्त रहते थे। फिर हमें लगा दोनों बैठ के कि 108 गुरुदेव ने बोल दिया, अभी करे कैसे, इसमें तो बड़ी मेहनत लगती है, अभी युवाओं को इतना लाना और इतनी टीम को, मतलब थोड़ा सा ये संघर्षपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण कार्य। तो फिर वापस आके हम लोगों ने वाल्टीपी आयोजन करने शुरू की। तो उसी में एक फिर गुरुदेव का संकल्प था तो हम उसमें जुड़े, कोई विकल्प ना डाल के हमने सोचा कि करना है तो करना है। तो फिर हम अपने हाथ पांव मारते रहे, थोड़ा मिलते रहे, कुछ मिनिस्टर से मिले, डायरेक्टर से, अलग अलग जगह में हमने प्रयास किए। तो फिर एक वाईएलटीपी में हमारे वो मिनिस्टर आए, 2-3 मिनिस्टर आ गए, फिर उनसे चर्चा हुई, उनको प्रपोजल दिया और फिर फॉलोअप करते रहे। और सुकांत ट्रेनिंग जी की, ट्रेनिंग हाँ हाँ सुकांत जी की अध्यक्षता में फिर हमको वो प्रपोजल जो है वो पास होने में सफलता मिली। और उसके बाद फिर टेक्निकल एजुकेशन में जो भी कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, आईटीआईज आते हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस आते हैं, तो उन सब में उन्होंने हमको परमिशन दिया कि भाई आप सब लोग इसमें जो है वाइल्ड टीपी करवा सकते हैं। तो उस तरह से हमने ये शुरू किया था और फिर हमारे काफी वाइल्ड टीपीज हुए। तो गुरुदेव का जो एक निर्देश था वो भी पूरा हुआ। और जो आप कह रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, तो हम शिविर तो सबको सिखा ही रहे थे वाइल्ड टीपी, साथ में हमने, क्योंकि मैं देखता हूँ नशे का जो ये एक प्रभाव है युवाओं में बहुत तीव्र गति से हमेशा ही से रहा है और बढ़ रहा है, हिमाचल में भी मैं देखता हूँ, पंजाब में, तो काफी लोग नशे की ओर अग्रसर हो रहे। तो हमने ये मन में ठाना कि हम कुछ तो इसके लिए, वैसे तो हमेशा करते ही हैं वाइल्ड टीपी के माध्यम से, हमने 2010 में भी एक नशा मुक्ति का कैंप लगवाया था ये सोलन में, श्री ये जो है पंकज अरोड़ा जी की अध्यक्षता में। और फिर इसी संदर्भ में हमने काम करना शुरू किया। तो पूरे स्टेट में लगभग 25,000 स्टूडेंट थे उस समय, जो हमें प्रोजेक्ट के दौरान, जिनसे हम रूबरू हो सकते थे, शिविर सिखा सकते थे। तो सब तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां जहां तक हम पहुंचे तो उनको हमने लेक्चर दे के या इंटरेक्टिव सेशन करके फिर उनको शपथ दिला के कि हम नशे से दूर रहेंगे। और शिविरों के माध्यम से जो जो तो शिविर किए हैं उन्होंने तो नशा छोड़ ही दिया, लेकिन बाकी को भी हम थोड़ा बहुत एक दो सेशन दे के उनको नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करते, तो उसमें काफी सफलता मिली और लोगों ने उसको काफी सराहा भी, क्योंकि युवाओं को कुछ तो करने को चाहिए। अब कुछ करने को नहीं है तो अपनी ऊर्जा नशे में लगा लेते हैं। तो अगर उनको बेटर ऑप्शन दिया जाए, ध्यान का अनुभव दिया जाए, सुदर्शन क्रिया सिखाई जाए, तो मैं कहता हूँ लोगों को अनुभव होता है कि नहीं, इससे बेहतर भी कुछ चीज है, तो ये अच्छा रहा। काफी युवा जुड़े इस मुहिम में। जी, योगी जी, आप चूंकि एनईबी मेंबर भी हैं हाँ तो आपका दायरा भी बड़ा है वाईटीपी में हाँ कार्य क्षेत्र का। हिमाचल प्रदेश में अभी वाईटीपी का कार्य कैसे चल रहा है? वाल्टीपी अच्छा चल रहा है, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि जिस गति से तीव्र से आगे बढ़ना चाहिए, जैसे बीच में भी वाल्टीपी अब कई वर्टिकल्स में कह सकते हैं ना, सिर्फ अब पहले हम कोर्स पर करते थे कि कोर्स कर लिया, सफाई अभियान कर लिया, या गांव में कुछ और मेडिकल कैंप लगा लिया, अब इसका कई सारे आयाम खुल गए हैं। एक तो जैसा योग से उद्योग, जो गुरुदेव ने बताया कि योग से उद्योग के लिए भी जी काम करें, तो श्री श्री तत्वा के माध्यम से लगभग 50 यूथ स्वावलंबी हुए हैं, तो ये एक बहुत काम हुआ है। अच्छा, बहुत दूसरा बढ़िया। प्रोजेक्ट भारत को जी लेके पिछले 1.5 बरस से चल रहा है, इसमें काफी सक्रियता हो रही है और काफी गांव गांव तक युवा पहुंच रहे हैं। फिर कोर्सेज के माध्यम से, फिर और ये जो स्किल डेवलपमेंट शुरू हुआ, आरपीएल शुरू है योग में, या शॉपकीपर्स हैं, या अलग अलग तरह के, तो इसके जो भी आयाम और खुले हैं, अब काम एक तरह से बढ़ गया है। पहले सिर्फ वाईएलटीपी एक कोर्स और कुछ सेवाएं हम करते थे, लेकिन अब इसका आयाम बड़ा है, विशालता की ओर जा रहा है। तो अच्छा है ये, मुझे लगता है कि आगे चल के ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। आगे वाले दिनों में, अगले 6 महीना या 1 साल में क्या प्लान है आप लोगों का वाईटीपी एक्टिविटीज को लेकर हिमाचल प्रदेश? अभी जैसा आपको पता है कि ये महामारी के कारण सभी काम अभी शिथिल पड़ा है, इस तरह का जो प्रतिनिधि बनाना या तत्वा को योग से उद्योग से जोड़ना, तो इसमें अभी
दो दिन पहले ही हमको आश्रम से जो अप्रूव हुआ है कि अब ऑनलाइन वाइल्टी भी किए जा सकते हैं। तो इस निर्णय का मैं स्वागत भी करता हूं और इसको मैं एक बड़े व्यापक रूप में देखता हूं कि ऑन जो जिस समय में हम है, इस समय चीजें जो है वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही, डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इसमें नए आयाम हमको खोजने होंगे कि किस तरह से हम अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचे। तो ऑनलाइन वाइल्ड टीपी इसमें एक बहुत अच्छा कदम हम बढ़ाने का ये प्रयास हुआ है। तो इसी के माध्यम से हम अधिक से अधिक युवाओं तक इस गतिविधि को पहुंचाएंगे, फिर उन युवाओं के माध्यम से बाकी गतिविधियों में हम तेजी ला सकते हैं। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि अगले 6 महीने में कि ऑनलाइन वाइल्ड टीपी को प्रमोट किया जाए, प्रोजेक्ट भारत को फिर उसके साथ जोड़ा जाए और नव चेतना भी ऑनलाइन शुरू किए हैं। तो नव चेतना के माध्यम से गांव-गांव से लोग जुड़ रहे हैं और फिर वही लोग प्रतिनिधि बन रहे हैं। तो उससे हमारा जो लोगों से एक संपर्क टूट रहा था, ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से वापस वो जुड़ा है और तेजी से जुड़ रहा कि ऑनलाइन में कहीं जाना नहीं है, कोई वेन्यू नहीं चाहिए आपको, जगह नहीं चाहिए, घर बैठे हजारों लोगों से जुड़ा जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल मुझे लगी। समय की भी तो यही हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ही ये आप ऐसा गाइड कर रहे हैं या चूंकि नॉर्थ जोन आपका पूरा पूरे जोन, आज भी सुबह हमारी जो नॉर्थ जोन की एक बैठक थी जूम मीटिंग में, हमने यही चर्चा की है कि वाई एल टी पी को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा वाई एल टी पी हो पूरे उत्तर भारत में और नव चेतना की गति बढ़ाई जाए, भारत प्रोजेक्ट को और मजबूती दी जाए और श्री श्री तत्वा को और अच्छे से जोड़ा जाए, जो भी युवा है इससे जुड़े। हर तरह के युवा आते हैं, कई लोगों को रोजगार की खोज होती है तो योग से उद्योग की ओर इसमें जाइए। तो बहुत अच्छा इसमें व्यापक जो है वो इसमें समय भी और समय के हिसाब से इसमें काफी प्रगति पाई जा सकती और बाकी चीजों को भी हम इसी तरह से होकर। प्रोजेक्ट भारत का बात आपने छेड़ा तो जैसे गुरुदेव का भी बहुत बड़ा एक मुहिम है कि कैसे हम हर गांव में पहुंचे और प्रतिनिधि बनाए, तो इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपने किया है नॉर्थ जोन के लिए या हिमाचल प्रदेश के लिए, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे सबके साथ? जी, बस यही हमने जब लॉकडाउन नहीं था तो हम जनसंपर्क बढ़ा रहे, अब लॉकडाउन है तो हम फिर ऑनलाइन के माध्यम से इसकी यही रणनीति कि हर हम क्या कर रहे हैं, हर शिक्षक को या हर जो भी वाइल्ड टीपी किया युवा है उसको प्रेरित कर रहे हैं कि कम से कम वो 10 गांव में अपने आप को जोड़े, 10 गांव से और वहां से 5-5 प्रतिनिधि जोड़कर अपना काम शुरू करें और फिर उन्हीं जो प्रतिनिधि बन जाते हैं फिर उनका हम समागम कर रहे हैं कि तहसील स्तर पे या 10 पंचायतों को जोड़कर फिर उन लोगों को और आगे स्वावलंबी बनाकर वही लोग फिर अन्य प्रतिनिधि बनाए। क्योंकि ये व्यक्ति देखो, अगर इसको व्यापक रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति की सीमा है कितना वो ट्रेवल कर सकता है, कितने लोगों तक पहुंच सकता है। हम क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी ऐसा प्रेरित कर रहे हैं जो भी हमसे जुड़ रहे हैं कि आप लोग स्वयं प्रेरित होकर आगे इसको बढ़ाए। तो ये अभी रणनीति बनाई और इसमें सफलता भी आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल, हरियाणा में बहुत अच्छा इस पे काम हुआ और हिमाचल में भी हो रहा है, पंजाब में भी जोर पकड़ रहा है, तो ठीक है, ये चल रहा है। वर्तमान की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है योगी जी, जिसमें हमारा वाईटीपी ट्रेनिंग और युवाचार्य ये जो परिस्थिति को सुधार में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है, एक ट्रेनिंग भी और हमारा युवाचार्य का जुड़ना भी, जी जी इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर, मैं तो कहता हूँ वाइल्ड टीपी एक ऐसा कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित तो करते ही हैं और साथ में अगर ये युवा जब प्रेरित हो जाते हैं वाइल्ड टीपी करके और इनमें से बहुत सारे, जैसे हमारे हिमाचल में मैं कहूंगा कम से कम 25-30 लोग ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत के प्रधान बने हैं, सरपंच बने हैं और कई लोग हैं सक्रिय राजनीति में भी आ गए हैं। तो ये एक लोगों में छाप बनी है कि जो ये वाइल्ड टीपी युवा है या
कर्म योग से जो आए हैं आर्ट ऑफ लिविंग की बैकग्राउंड में, इनकी जो मनशा है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो लोगों को भाता है। तो इस तरह से मैं सोचता हूं कि आगे चल के इसमें और तीव्र गति पकड़ी जाए, तो यही राजनीतिक कह लो या सामाजिक जो परिवर्तन है, इन पर लोगों की आस्था, विश्वास और इनके काम करने की शैली, वो लोगों को पसंद आती है और लोग कहते हैं कि आप लोगों को ये इसमें राजनीति, कितने ही लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको ये ऑफर आते हैं राजनीति से, लेकिन हम जैसे अध्यात्म से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ युवाओं को कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप स्वागत करना चाहिए कि अगर आपको राजनीति में भी जाना है तो उसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि आपके पास एक खुला मंच या आयाम मिल जाता, आप ज्यादा लोगों तक पहुंचकर सेवा कर सकते और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते। जी पता ही नहीं चला 40 मिनट चर्चा में निकल गया। अभी कुछ दर्शकों का सवाल है अपने ही टीचर्स और युवाचार्यों का, उनमें से मैं पूछना चाहूंगा। प्रसन्नजीत एओएल किसी ने पूछा है कि आई फील अनहैप्पी व्हेन आई सी मेनी मेनी हैव दिस डिवाइन प्रैक्टिस, I feel unhappy. अच्छा, I feel unhappy when I see many have left divine practice. मैंने बहुत लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं, उनको देख के मैं बहुत नाखुश होता हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, छोड़ देते हैं, ये एक तो साधना की बात कर रहे हैं, संस्था छोड़ देते हैं। अच्छा, संस्था देखो, संस्था बांधने के लिए नहीं है ये, हम हमारी ये मंशा बनती जो एक बार जुड़ गया जुड़ा रहे, मैं इस बात से थोड़ा सरोकार नहीं रखता। आपने संस्था में आए, गुरुदेव का ज्ञान लिया, आप जीवन में आगे बढ़े वो जरूरी, अब संस्था में जुड़े रहे, सब व्यक्ति की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, तो वो अपनी अपनी प्राथमिकता, लेकिन जीवन में साधना को अपनाए, सेवा को अपनाए और अपने जीवन में जहां भी वो जाते हैं अच्छा करें। मेरा तो यही अनुभव है, जो लोग पूर्णकालिक सबके लिए संभव भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, आप जो भी कार्य करते उसको करते हुए आप सेवा से जुड़े रहे, तो जितने लोग तो मेरे सर्कल में है या जो हमारे साथ जुड़े, तो कहीं और भी गए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, कोई जॉब में गया तो वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई राजनीति में गया तो वहां अच्छा कर रहे हैं, तो मन से उनके साथ जुड़ाव अच्छा, जब भी मिलते हैं तो बड़ा, जब कोई बड़े आयोजन होते तो जरूर वो लोग आते हैं, ये तो है। तो इसको नकारात्मक नहीं लेके सकारात्मक ही लेना चाहिए, और सभी को आजादी है, सभी कुछ भी करना चाहे करना चाहिए, और 2-3 साल भी किसी ने सेवा की बहुत अच्छा, बाकी अपना जीवन यापन करना है, परिवार है, समाज है, जिस तरह से जिसको लगता है बस आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक हमारे रूरल टीचर है रिकिराम पटेल जी, उन्होंने पूछा कि अभी जो आईटीपीज हो रहे हैं वो करने के बाद लोग जुड़ नहीं रहे हैं, इसके अच्छा। बारे में कुछ बताए, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं जी? नहीं, मैं तो कहूंगा ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब काम ज्यादा बढ़ा है, वाल्टीपी ज्यादा हो रहे हैं, और जुड़ना पहले हम क्या सोचते थे कि भाई वाल्टीपी कर लिया तो भगत बन गया, बस वो पूरा इसी में लग जाए, बाकी काम ना करे वो, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि अब 20 बरस 15 बरस पहले बात करें तो कुछ और परिस्थितियां थी, आज हम एक नए डिजिटल एज में आ गए, तो जरूरतें अलग है, समझ अलग है, काम करने के तरीके भी अलग है, तो हो सकता है वो इस तरह से ना करे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ना किसी माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ। और नहीं जुड़ रहे हैं फिर हमको भी अपने ऊपर थोड़ा सा और इसको देखना पड़ेगा कि वाल्टीपी को कैसे और समय के अनुसार और रुचिकर बनाया जाए, और ऐसा बनाया जाए कि युवा उसमें भाग लेने के लिए तत्पर हो, हमें उनको खींच के नहीं लाना पड़े। और वाल्टीपी जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ऐसा नहीं कि कोर्स करा लिया, कई बार बीच में ये भी होता भी आ जाओ कोर्स कर लो, कोर्स उसको कोर्स मत बनाए, ये है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेतृत्व की ये गहरी समझ विकसित करने की कार्यक्रम है, कि जो अपने भीतर बदलाव लाते हैं समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ उपयोगी होना चाहते, ऐसे सोच रखने वाले या ऐसी दिशा इससे हमको मिलती, और आप कुछ भी करें तो ऐसी सोच लेके आप चलेंगे तो जहां भी जाएंगे वहां अच्छा करेंगे जी। एक आखिरी सवाल किसी ने पूछा, एक शायद हमारे टीचर ही हैं, उनका कहना है कि उनसे हैप्पीनेस कोर्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, तो क्या उनको नवचेतना शिविर में लेना चाहिए?
हाँ, कर सकते हैं नवचेत। और क्यों आयोजन नहीं हो रहा है, कितने लोगों से आप मिलते हो? हम कई बार इसमें भी पड़ जाते हैं ना कि नहीं हो रहा है, मन में ऐसा ही संकल्प, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं, आप जाइए मिलिए नए लोगों से, मिले आप, मैं कहता हूँ 100 लोगों से मिलेंगे तो 30-40 का कोर्स ना हो तो ये संभव नहीं। तो बस हमने कई बार, हमें लगता है जैसे मैं भी पुराने लोगों के साथ बैठता हूँ तो अपना ही एक दायरा बन जाता है, बस उसी दायरे में हम रहते हैं, हमको समाज से कटना नहीं है, समाज का ही हम हिस्सा है, तो समाज के साथ हमारा जोड़ बना रहे, नए लोगों से हमारा जन संपर्क जितना अच्छा होता है नए लोगों से, उतने हमारे शिविर कामयाब होते हैं, उतने हमारे प्रोजेक्ट्स सफल होते हैं, उतनी ही हम ज्यादा तेजी से इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये मैं ही जवाब दे देता हूँ। एक टीचर है, वो पूछ रही है, सुष्मिता सी जी, ऑनलाइन YTP ले सकते हैं क्या? तो आपने बताया ही है कि ऑनलाइन YTP का अभी परमिशन YTP नेशनल सेल ने कर्मयोग ने दे दिया है, जी, और जो भी लेना चाहते हैं, इच्छुक है, वो जरूर YTP नेशनल सेल से कांटेक्ट करे, आगे का मार्गदर्शन ले। आखिरी एक रिक्वेस्ट योगी जी, सभी के लिए, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे सभी युवाचार्यों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जितने अपने वॉलेंटियर्स के लिए, हाँ। आपका आखिरी संदेश क्या रहेगा आज का? मेरा सभी के लिए संदेश है कि साहसपूर्ण कार्य करें और चुनौतीपूर्ण कार्य जरूर करें जीवन में। अगर जीवन का असली गहराई या आनंद लेना है तो चुनौती के लिए और साहस, और युवाओं में ये होता ही है कि चुनौती लेना चाहते हैं, साहसपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा साहस मैं मानता हूं अपने आप से जुड़ना, ध्यान करना, व्यक्तिगत साधना करना, उसके लिए बड़ा साहस चाहिए। सब जगह भटकना तो आसान है, तो साहसपूर्ण कार्य क्या है, अपने भीतर व्यक्तिगत साधना को बहुत गहरा करना, अच्छा करना, उसमें रस लेना। और दूसरा मैं बताता हूँ सामाजिक सेवा, तो इसके लिए चुनौती होती, साहस अपने लिए, चुनौतीपूर्ण जो चैलेंज आप लेना चाहते हैं। युवाओं का तो गुरुदेव तो यही कहते हैं, युवाओं की निशानी क्या है, युवा होने का क्या लक्षण है, तो युवा होने का लक्षण है साहस और चुनौती लेने के लिए तैयार। तो मेरा सबको यही संदेश है, व्यक्तिगत साधना से अपने आप को, आत्मबल को, मनोबल को बढ़ाइए और फिर सामाजिक सेवा, चुनौती में लेकर सामाजिक सेवा करिए। कितने ही युवा मुझे मिलते हैं जो भाई पैराग्लाइडिंग करेंगे, कुछ पहाड़ पे चढ़ेंगे, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऊर्जा है जो करना चाहते हैं। मैं क्या कहता हूं, वो तो करिए ही, साथ में चुनौती ये लीजिए कि मैं इस बरस 100 गांव में यात्रा करूंगा, 100 गांव में नवचेतना, या 100 गांव में मैं युवाओं से मिलूंगा। इसको एक एडवेंचर की तरह, चुनौती की तरह लेके देखें, इसमें बड़ा मजा आता है, मैंने तो ये खूब किया है। आपको नई नई स्टोरीज, नए नए आयाम, नए नए आपका व्यक्तित्व खिलने लगेगा। तो इस तरह का मेरा तो ये संदेश है कि सब लोग व्यक्तिगत साधना और सामाजिक सेवा से जुड़े, बहुत आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और कई, मैं लेख पढ़ रहा था, कई देशों में तो ये करियर बन गया कि भाई आप अच्छा, सामाजिक सेवा में जुड़िए और इसमें बहुत बड़ा करियर है, पैसा भी है, धन सब कुछ इसमें है, इज्जत शोहरत धन सब कुछ है। तो आप, हमारे देश में भी ये अब होना शुरू हुआ है और आप इसको एज ए कैरियर ले सकते हैं भी, सामाजिक सेवा हम करना चाहिए, जो एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर जो घूमने फिरने का शौक रखते हैं या कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने का शौक रखते हैं, उनको YTP करके अपने व्यक्तिगत साधना और सामाजिक सेवा से जरूर जुड़ना चाहिए। आपका जीवन भी सफल होगा और सामाजिक होगा और आप समाज में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाए। धन्यवाद योगेंद्र योगी जी, जैसा आपका नाम वैसा ही चेहरा, वैसे ही आपका व्यक्तित्व और वैसे ही जी आपका कार्य, भगवान ने आपको बड़ा फुर्सत से बनाया है। तो जी आप आए और इतना सभी अपने युवाचार्यों को, अपने शिक्षकों को, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सेवकों को, और काफी प्रतिनिधि भी मेरे ख्याल से जुड़ रहे होंगे प्रोजेक्ट भारत के थ्रू जो आए हैं इस कार्यक्रम में, सबको आपके बातों से बहुत प्रेरणा मिला होगा कि आप इतने कम उम्र से जुड़कर इतना सेवा दिया देश के लिए, संस्था के लिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग कर्म योग बैंगलोर आश्रम की तरफ से सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और जितने भी दर्शक जुड़े इस कार्यक्रम में,
फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैं सभी को विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सब कोई इस कार्यक्रम को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं फेसबुक से, और कोई भी चाहते हैं कि आप भी आके इस प्लेटफॉर्म में अपना अनुभव शेयर करें, आपका जीवन का यात्रा को लोगों के साथ साझा करें, तो जरूर आप जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग कर्मयोग नेशनल ऑफिस है बैंगलोर में संपर्क करें और अपना नाम लें। कल फिर 9 बजे हम मिलेंगे एक नए शख्सियत जिनको पूरा भारत जानता है, जयंत भोले जी महाराष्ट्र से, उनके साथ। और मैं योगी जी आपको भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है ग्रामीण क्षेत्र में, वाइल्डरी के क्षेत्र में, कोर्सेज में, आप भी उनको प्रेरित करिए कि ये कार्यक्रम को जरूर वो देखें और दूसरों को भी संदेश दे देखने। बिल्कुल, पूरे प्रेम से हम संदेश देंगे। अच्छा लगा आपसे मिलकर। पूरे प्रेम से हम संदेश देंगे, पूरा प्रयास करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव।